नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय कला महाविद्यालय तिरोड़ी में प्राचार्य डॉक्टर नैनवती धारणे के मार्गदर्शन में दिनांक 8 दिसंबर 2022 को महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब के अंतर्गत एड्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रफुल्ल भारती के द्वारा विद्यार्थियों को एड्स संक्रमण एवं इसके रोकथाम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही एड्स परामर्शदाता श्री चंद्रशेखर साहू के द्वारा एड्स के साथ साथ उनसे बचाव के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्रदान की। इसके पश्चात छात्र छात्राओं के प्रश्नों का निराकरण उपस्थित अतिथियों के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र तिरोड़ी के कमलेश गजबिये, भारतीय जनता युवा मोर्चा तिरोड़ी मंडल अध्यक्ष प्रत्युष दुबे एवं विभिन्न चैनलों के मीडिया प्रभारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय के प्रधान अध्यापकगण डॉक्टर आकांक्षा मेश्राम, डॉक्टर योगेश सोनोने, हितेश उइके, कविता क्षीरसागर, डॉक्टर अरुण कुमार शिंदे, अनंत कुमार साकेत, विशाल दमाहे, प्रदीप चौरे, सुरेश गिरी, दिलीप जामुलकर का योगदान रहा। सर, आज जो कार्यक्रम था कॉलेज में, रानी दुर्गा वीरांगना रानी दुर्गावती कॉलेज में, ये किस उद्देश्य को लेकर और क्या कार्यक्रम था, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी देंगे। जैसे कि 1 दिसंबर सभी को ज्ञात है कि विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जो शासन के तरफ से दिशा निर्देश हुए हैं वो आया है विश्व एड्स अभियान, जिसमें लोगों को जागरूकता करना है। और इसकी जो थीम आई है वो आई है समानता, कि सभी को समानता हो। और इसके लिए पखवाड़ा चल रहा है, सभी स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों को जागरूक करना, जगह जगह पे इसकी जागरूकता कैंप लगाना। इसके साथ साथ जितनी अपनी एफ आई टी सी मतलब होता है फैसिलिटी इंटीग्रेटेड काउंसिलिंग टेस्टिंग सेंटर, सभी में लोगों को जांच के लिए प्रेरित करना, जो कि अधिक से अधिक लोग अपने एचआईवी स्टेटस को जान सके और सभी लोग एचआईवी के बारे में अपना स्टेटस पता कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है 2030 तक कि सभी लोगों को अपना एचआईवी स्टेटस पता होना चाहिए। 1993 गोल रखा हुआ है, जिसमें सभी 90% लोगों को अपना एचआईवी स्टेटस पता होना चाहिए, और जो इसमें एचआईवी पॉजिटिव आ जाता है तो उसका भी 90% लोगों का कम से कम एचआईवी एआरटी पंजीयन हो जाए, और जिनका एआरटी पंजीयन हो गया उसकी कम से कम नियमित रूप से दवा चल सके। इस तरह से शासन के प्रोग्राम चल रहे हैं। और जो विश्व एड्स अभियान, इसके तहत एक पखवाड़ा 15 दिन का, 1 से 15 दिसंबर तक ऐसे पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और हमारे खंड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमान पंकज दुबे जी के मार्गदर्शन में यह सभी चीजें हो रही है, जो जिला से निर्देश जैसा हमें प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश राज्य समिति भोपाल, इसके तहत ये सभी कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। सर, तिरोड़ी तहसील के अंतर्गत अभी कितने कैंप हो गए सर अभी आपके? यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।